खरगोन जिले के कसरावद में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीएस सोलंकी और सहायक संचालक कृषि टीएस मंडलोई पीयूष सोलंकी ने बस स्टैंड पर स्थित कृषि खाद्य बीज की निजी दुकान पर छापामार कार्रवाई की। बीएस सिंगर ने बताया कि एक किसान की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है और जिले में अन्य स्थानों पर भी इस तरह की कार्रवाई जारी है। हम किसी भी कीमत पर किसानों को नकली दवाई से फसल का नुकसान नहीं होने देंगे। इस संबंध में हम लगातार नजर बनाए हुए हैं तथा कहीं से भी कोई नकली दवाई की खबर आती है तो हम तत्काल कार्रवाई करते हैं। इस संबंध में आगे भी हम कार्रवाई करते रहेंगे, साथ ही कुछ निजी एजेंट भी रखेंगे जो हमें इस तरह की खबर देते रहेंगे। कसरावद से अकील खान की रिपोर्ट। हमारे जो वनदत्ता टीम बने हुए हैं, बिरा किस्त की टीम बनी हुई है, वो लगातार जो है ना बीज खाद दवाई के बारे में निरीक्षण और उनके सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है। परंतु आज की कार्रवाई में किसान द्वारा बताया गया कि हमने पटेल कृषि सेवा केंद्र कसरावद जो इंदौर रोड पर है उससे एक दवाई ली है जो संख्याप्रद दिख रही है और वो जो है ना पौध संरक्षण में काम नहीं कर रही है। तो उसके लिए जो है ना हम लोगों ने एक टीम बनाई और जो है दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण में जो नागार्जुन कंपनी थी उसकी जो दवा की शिकायत आई थी उस दवा को जो है प्रतिबंधित किया और उसकी सैंपलिंग लेके और समस्त उसके रिकॉर्ड का अवलोकन करके और रिकॉर्ड की कॉपी जो है जिला कार्यालय को भेजी जा रही है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी किसानों को दवाई की और खाद की काफी मात्रा में जरूरत लगेगी, तो क्या इस तरीके से और भी जिले में टीमें गठित की गई हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयां और जगह भी चल रही है क्या? ये कार्रवाई लगातार चल रही है जहां से किसानों की शिकायत प्राप्त होती है कि बीज खाद दवाई के आदान में किसी प्रकार की गुणवत्ता में कमी आती है। उस गुणवत्ता के लिए तत्काल हम लोग जो है दुकानों पर जा रहे हैं और सैंपलिंग का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो किसानों की गंभीर शिकायतें आती हैं कि साहब ये शंकाप्रद है यार, इसमें हमको जो है ना किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश है, उसको जो है ना दवाइयों को हम प्रतिबंधित कर रहे हैं, किसानों को क्रय विक्रय नहीं करने दे रहे हैं और उसको जो है सैंपलिंग करके जब हमारे सैंपल का रिजल्ट आ जाएगा जिला कार्यालय जो भी कार्रवाई आगे करेगा और उस कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जैसा कि किसानों की शिकायत ही होती कि या वैसे भी जनरल इनकी जो जनरल तो हमारे जो जिले स्तर पर टीम बनी हुई है, ब्लॉक स्तर की टीम बनी है, सहायक संचालक से इंदौर की टीम बनी है, वो लगातार क्षेत्र में जो है निरीक्षण अवलोकन कर रहे हैं और कमी पाए जाने पर उनके कई बार लाइसेंस निरस्त और उनको नोटिस होकर नोटिस लगातार जारी हो रहा है। अच्छा, इसकी लाइसेंस की क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से लाइसेंस दिया जाता है? लाइसेंस इसमें जो है जो पुरानी दुकानें हैं उनके लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया है जो हर साल लाइसेंस को जो है विस्तार किया जाता है। 2015 के बाद लाइसेंस नवीनीकरण बंद हो गया है तो उसके विस्तार हर साल जो है ना डीलर्स को कराना पड़ता है और अगर नया लाइसेंस बनाता है तो उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर है बीएससी केमिस्ट्री का होना आवश्यक है, उसके बाद ही नवीन लाइसेंस का जो है कार्रवाई की जाए। आपका शुभ नाम और कौन से पद पर है? मैं बीएस सेंगर हूँ, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं खाद बीज दवाई निरीक्षक कसरावद।